एक रिसर्चर थे, वो भी बहुत बड़े लेवल पर नहीं थे बट, और उनकी एक अपनी लाइब्रेरी थी, तो साइंस में काफी इंटरेस्ट रखते थे और बचपन से ही साइंस के एक्सपेरिमेंट काफी किया करते थे। बहुत सारी चीजों को ध्यान से देखना, उनको ऑब्जर्व करना और उनको समझना, साइंस में कुछ चीजें जो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है वो चीज है चीजों को ऑब्जर्व करना, कि कैसे चीजों का ऑब्जर्व करना है। अगर आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको इससे रिलेटेड मिलेगी, ऑब्जर्वेशन कैसे इंपॉर्टेंस रखता है और उसके पीछे के कारणों को समझना, ठीक है, और उन चीजों का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना, ये रिसर्च के मेन पार्ट्स होते हैं। सपोज अगर आप देखते हैं, अगर हम न्यूटन के बारे में बात करें, सबको पता है कि एप्पल गिरा था वाली कहानी हर कोई जानता है। क्या पहली बार कोई चीज जमीन पर गिरी थी क्या? ऐसा तो नहीं है, या गिरते आई थी लेकिन किसी इंसान ने पहली बार देखा था, ऐसा था क्या? हर कोई जानता था कि चीजें जमीन की तरफ आती है ना, बहुत कॉमन चीज थी ये, लेकिन उस कॉमन चीज के पीछे भी साइंस है, शायद ये किसी ने जानने की या उसको गहराई से समझने की कोशिश नहीं की। न्यूटन ने यही किया, उस साइंस को समझा कि आखिर ये क्यों गिर रही है, ऐसी क्या चीज है उसको जमीन की तरफ आकर्षित कर रही है। अदरवाइज हम कॉमन मैन की तरह जब सोचते हैं तो हमको लगता है ये तो साधारण सी बात है, उसमें क्या आश्चर्य की बात है, यही होगा ना। जब वाकई में न्यूटन को भी, जब न्यूटन ने कहा हुआ कि यार ये नीचे ही क्यों गिरा, तो सुनने वाले ने सोचा होगा ये पागल हो गया है क्या, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। हाँ चलो नीचे से ऊपर जाता तो कुछ आश्चर्य होता, नीचे गिरा तो क्या आश्चर्य की बात है, यही लगा होगा ना। लेकिन वास्तव में उसके पीछे भी साइंस था, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की वहां से पूरी स्टडी की और उसको डिस्कवर किया, और उसी के कारण आज हम जो है प्लैनेट से, अपने अर्थ से भी बाहर निकल गए। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं जानते तो क्या चीज पॉसिबल होती, क्या नहीं होती ना। तो उन्होंने उस चीज को स्टडी किया, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में पूरे रूल्स दिए, किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या होगा, मोशंस के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए उन्होंने इस तरह से स्टडी की। वैसी ऑब्जर्वेशन, तो उन्होंने ये चीज वहां से प्रेडिक्ट कर ली कि हर चीजें एक सूक्ष्मतर कण से बनी हुई है और ये कण भी अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग नेचर के होते हैं, और ये जो डिफरेंट टाइप की चीजें बनी है उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। तो ये फिलॉसफी है, इसी चीज को हमको रिसर्च में करना होता है, और आप जितने अच्छे तरीके से उसको यूज करेंगे उतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह की बहुत एक फिलॉसफी को लेकर जो आगे बढ़े, सर सीवी रमन, जिनके बारे में डिस्कस करना चाह रहा था। सर सीवी रमन, मैंने वजह से बताया, बहुत छोटे समय से ही उनके गुण जो है वो अलग ही दिखते थे। बहुत कम एज में उन्होंने, मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास कर लिया था, हायर सेकेंडरी जो आज की डेट में हम बोलते हैं, वो मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने पास कर लिया था। और जब उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, उस समय साइंस की डिग्री भी बीए में कहलाती थी, तो उन्होंने जब बीए में एडमिशन लिया, है ना, जैसे आज हम बीएससी कहते हैं उसी को, उस समय बीए साइंस में ही आता था, मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इनको ही पढ़ना है, वो बीए की डिग्री कहलाती थी। उस समय उनके टीचर्स बहुत सरप्राइज हुए जब वो पहली पहली बार कॉलेज गए, तो कुछ टीचर उनसे पूछते थे कि किसी के साथ आए हो क्या, कि मात्र अगर 13 साल का बच्चा कॉलेज पहुंच जाए तो। और उसके बाद में जब उन्होंने इंटरेक्शन किया टीचर से, तो सब सरप्राइज थे कि कोई कैसे इतना ब्रिलियंट हो सकता है कोई स्टूडेंट। जैसे मैंने एटम से भी आया था, मैं अच्छा उसको वहीं पर मैंने छोड़ दिया था। एटम से भी हमने जब देखा शुरू में, डाल्टन ने भी बताया, जब कनाप के बाद डाल्टन ने बताया कि एटम वो है एटम, है ना, कैन नॉट बी कट, है ना, जिसको हम काट नहीं सकते, मतलब सूक्ष्मतम यूनिट है, तो उस समय के लिए वो सत्य था, है ना। लेकिन जब बाद में हम आए तो फिर बोहर का मॉडल आया, बोहर से पहले और भी मॉडल आया, पंप रूडी मॉडल आया, जिसमें पता चला कि चार्ज है न्यूक्लियस में, कुछ पॉजिटिव चार्ज है, उसके आसपास कुछ नेगेटिव चार्ज है, तो उस समय माना गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समान रूप से फैला हुआ है, तो ये थ्योरी आई। उसके बाद फिर बोहर का मॉडल आया, तो उसमें पता चला कि सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ घूमते हैं, ये बोहर का मॉडल आया, है ना, इसको ही पढ़ा है आपने। उसके बाद बोहर की थ्योरी भी गलत साबित हो गई, है ना, जो पहले तो हम बोले थे कट नहीं कर सकते, वो तो हम कट कर सकते, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग है, निकाल लेते हम, है ना, स्पेसिफिक कंडीशन में ही, नॉर्मल कंडीशन में स्टेबल नहीं होते, बट हम स्पेसिफिक कंडीशन में निकालते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब के बारे में हम लोग जानते हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज है ये। फिर प्लंक पुडिंग मॉडल आया, बोहर मॉडल आया, तो बोहर ने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाद में पता चला कि ये भी सही नहीं है,
कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं घूम रहे हैं। अभी भी शायद ज्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं घूमते हैं, उसकी मोशन के बारे में पता ही नहीं है हमको। ये जो हम ऑर्बिटल का शेप निकाले, ये तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सारी तरह से उन्होंने हर तरह से प्रूव कर दिया, इसलिए उस दिन को वो डिस्कवरी डे माना जाता है उनका, और उसी के बेस पर जो है हम लोग इसको नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। उनका डेडिकेशन आप इस बात से भी समझ सकते हो कि जब इनको 28 में ये मिला, 1930 में नोबेल प्राइज मिला, उसके दो साल बाद डिस्कवर करने के दो साल के बाद उनको नोबेल प्राइज मिला था, वो बहुत ज्यादा पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि मुझे मिलेगा ही। वो 1929 में भी उन्होंने पहले से टिकट बुक कर लिया था स्वीडन से, चूंकि ये जो नोबेल प्राइज मिलता है स्वीडिश एकेडमी से मिलता है ना, तो स्वीडन की टिकट 30 में भी उन्होंने जो है टिकट बुक कर लिया था पहले ही, अनाउंसमेंट से पहले ही, और 30 में फाइनली उनका नाम आ ही गया, क्योंकि वो जान रहे थे कि बड़ा काम है और इसकी इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट एक नोबेल प्राइज के रूप में मुझे मिलेगा, वो बहुत अच्छी तरह श्योर थे, ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी था, है ना। और जब उनको नोबेल प्राइज मिला उसके बाद जब वो इंडिया आए तो सोचिए एक कैसे पैट्रियोटिक इंसान थे वो, चूंकि उस समय ब्रिटिश रूल था, है ना, लेकिन उसके बावजूद वो जब इंडिया लौटे तो उन्होंने एक अपना दुख बयां किया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी थी कि नोबेल प्राइज मुझे मिला, बहुत खुशी थी, लेकिन इस बात का मुझे दुख था कि मैं अपने देश के झंडे तले खड़े नहीं था। हर देश के फ्लैग लगते हैं, तो चूंकि हम लोग उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे तो वो ब्रिटिश झंडे के नीचे थे ऑब्वियसली, तो इस बात के लिए उन्होंने पब्लिकली ये चीज उन्होंने कही। सोचिए एक कई बार ये होता है कि हम एक ऊपर लेवल पर पहुंच गए, जब हमें बहुत कुछ हासिल हो गया तो हम अपने देश दुनिया के रंग छोड़ देते हैं,